हेलो 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 सोहेल भाई, यार आ जाए, शूट का टाइम हो गया। वे यार, मैं आ गया हूँ, किधर बाहर खड़ा पहुंचे? हूँ। मैं आपने तो कहा था 2009 की है ये, इधर एक नई वाली खड़ी है लैंड क्रूजर। भाई यही वाली है, यही वाली है। आई एम कमिंग डाउन। अच्छा यही वाली है। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। फ्री कैसे क्या हैं सीन है? ये तो यार? आप ये वही है, 2009 वाली। इसके लिए आया, इसको मैंने बेसिकली अपलिफ्ट कर लिया। वह तो ये तो मुझे बिल्कुल 21 वाली लग रही है। दिस इज द क्वालिटी। तो इसमें क्या क्या आप चेंज किया आपने? बेसिकली यार, इसके अंदर फेसलिफ्ट के अंदर जो मेजर चीज़ें शामिल हैं, आपका फ्रंट बोनट, बैक डिग्गी, दोनों फेंडर, आपकी प्लास्टिक किट्स, और बेसिकली इसके अंदर एक एक्स्ट्रा किट लगी हुई है मॉडल हिस्सा। अच्छा, तो वो तो इससे बेसिकली ये है मेरे ख्याल ये से। प्लास्टिक पार्ट्स इतने भी हैं, ठीक ये है दस एन एक्स्ट्रा किट ठीक मॉडल है, और हिस्सा, बाकी सारा ये चीज़ बाकी ये। फ्रंट ग्रिल्स, लाइट, ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो बेसिकली ठीक। चेसिस आपकी वही LC 200 वाली है, अच्छा और द करंट शेप इसकी जो थी LC 300 से पहले 202 बन जाती है। तो इसको चला के देखें, सेम बिल्कुल चलें चले। आ जाएं। और सलमान भी क्या कर रहे हैं यार, गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊँ। यार? तीन सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की जरूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं। तो बस पोस्ट एंड ऐड पर क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। अच्छा सुहेल भाई, ये क्या सीन है अंदर से? मतलब ये शायद ओल्ड वाली है। ये बिल्कुल जी, ये 2009 जो मैंने लैंड क्रूजर परचेज की थी वही वाली है। अच्छा, और मैंने सोचा कि इसको करंट शेप में ले आ जाया जाए। अच्छा, तो देन आई अपग्रेडेड इट टू द करंट वन। ठीक है, और ये 2000 जो एक चल रहा था बेसिकली 18 में आया था ये फेसलिफ्ट। अच्छा, और जब तक ये डिसकंटिन्यू हुई है LC 300 के आने से पहले, दिस वॉज द लास्ट शेप, लास्ट लाइट्स, ठीक है, और लास्ट बोनट, लास्ट फेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने गाड़ी अभी खरीदी कब है? ये मुझे तकरीबन 3 महीने हुआ है, 3 महीने पहले अच्छा बाइक किया। ठीक है, और कितनी चला ली हुई है? मैंने 2500 किलोमीटर के करीब मेरे पास चल चुके हैं। 2500 2500 तकरीबन आपने चला ली हुई है। तो आपने जब ये अभी गाड़ी खरीदी है तो ये किस प्राइस रेंज में लिया आपने? ये जी मुझे कॉस्ट की थी 183, 1,83,00,000। ठीक है, और जो नई वाली आ रही है वो कितने की? अगर हमने सेम शेप नहीं लेनी है इस तो? वक्त आपने ये जिस करंट शेप के अंदर गाड़ी अवेलेबल है, ये आपको मार्केट में जो खड़ी हुई है लाहौर के अंदर जो इम्पोर्ट हुई हुई, वैसे तो इम्पोर्ट आपको पता है इस वक्त करंटली बंद हो गई हुई है, और इट्स हार्ड टू ब्रिंग द कार फ्रॉम जापान, तो ये आपको कम अज कम 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर पड़ेगी। ठीक है, तो आपने तकरीबन 2009 की गाड़ी तकरीबन 1,80,00,000 में लेके और उसकी शेप एंड लुक एंड फील वगैरह सारी वो 3.5 करोड़ वाली वो कर ली है। ठीक है, तो इसके बारे में बताएं। माइनर सी कॉस्ट आई है उसके ऊपर। सही है, तो कितना वैसा खर्चा आ जाता है? ये जी जो इसके ऊपर मॉडल इस्ता की हुई है, इसमें 3-4 वेरिएंट अवेलेबल हैं इस वक्त अपलिफ्ट अच्छा, के अच्छा। तो इसमें वो जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड का जापानीज हुआ है, अच्छा, ये कुछ 6.5 लाख रुपए का होता है। ठीक है, तो 6.5 लाख रुपए के अंदर इसके अंदर कोई गाड़ी की बॉडी शॉडी कटती है या ऐसा कोई सीन कुछ होता है? भी नहीं जी, इसमें बेसिकली आपके जो पुराने पार्ट्स हैं अब तो इतना वो परफेक्ट हो गया हुआ है, तो बोल्ट टू बोल्ट फिटिंग आ गई हुई है। शुरू में होता था इशू, काटना पड़ता था डिग्गी की लाइट्स, तो वो डिग्गी ही रिप्लेस हो जाती है, आपका फेंडर दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, उसके पुराना सामान बोल्ट इन बोल्ट ऑफ मेरे पास पड़ा है। इस गाड़ी को जैसे आपने चलाया तो ये वेरिएंट कौन सा है बेसिकली? 2009 के अर्ली स्टार्ट तक दो वेरिएंट आते थे। अच्छा, एक AX LC 200 जब आई थी, ठीक है, और एक AXG बेसिकली 7 मिड में आई थी, 7 से 9 तक सिर्फ दो ही आते थे, तो ये उसमें सबसे हाईएस्ट वर्जन था, AXG अपस्पेक कहते हैं इसे। और इसके अंदर बेसिकली ऐसे क्या फीचर्स थे जो कि दूसरे वाले में नहीं थे? ये उस वक्त जब दो वेरिएंट आए थे, एक AX और AXG, ये बेसिकली इसके अंदर जो मेजर डिफरेंसेस थे, लेदर सीट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक सीट्स थी, ठीक है, इसके अंदर डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल जोन में आता था, ठीक है, मल्टी, इसका जो साउंड सिस्टम था वो डिफरेंट था, मतलब हाई ग्रेड का था, ठीक है, तो सिंपल AX थी, उसमें ये टीवी और ये नेविगेशन सिस्टम ही आता था, सीट फैब्रिक होती थी, ठीक है, इसके अलावा इसके 3 ट्रेन मोड एक्स्ट्रा थे, AX में वो नहीं होते थे। ठीक है, और ये कितने सीसी है? ये 4,700 सीसी है, 2012 तक 4,700 आया है, और अब करंट जो बाद में 2013 में इसका सेकंड आया था उसमें ये 4.6 लीटर हो गया था। ठीक है, तो इसके अंदर अब इंजन, तो इंजन वगैरह में तो कोई आपने मॉडिफिकेशन नहीं करे? नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बाकी ठीक है, और अब जो लेटेस्ट वाला लैंड क्रूजर आ रहा है जी, जो 2021 तक आ रहा था अभी लेटेस्टली, जिसके अंदर आपने इसको अपग्रेड किया हुआ है, हाँ। उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इसमें अभी नहीं है? उसके अंदर बेसिकली सिर्फ एक वेरिएंट एक्स्ट्रा आया था, ZX उसे कहते हैं, वो 2009 के एंड में लॉन्च हुआ था, ZX, ठीक है, ZX आता था सनरूफ के साथ, ठीक है, क्योंकि जब तक ये गाड़ी थी उस वक्त तक सनरूफ होती नहीं थी। अच्छा, और उसमें आती है आपकी मेमोरी सीट्स। अच्छा, इसमें और उसमें सिर्फ दो फीचर्स का डिफरेंस है, मेमोरी सीट्स का और सनरूफ का, ठीक, बाकी हर चीज लेदर, ये 6-7 सीट्स वो सब की सब डिफरेंट, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका डिमिंग मिरर्स,
हीटेड मिरर्स, तो आपके मल्टीपल ऑप्शन है. फॉग में गाड़ी चला रहे हैं तो ये मिरर है, कोई पीछे से आपको लाइट डिस्टर्ब कर रहा हो, ये डिम हो जाते हैं, ऑटो डिमिंग मिरर कहते हैं. तो इसलिए अपस्पेक गाड़ी है. इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सिस्टम था जो कि रेगुलर आपको लैंड क्रूजर में नजर नहीं आएगा. 360 डिग्री कैमरा उस वक्त नहीं आता था, इसमें अपस्पेक लगा हुआ है. ठीक है. अच्छा, तो अब फॉर एग्जांपल आपने अब ये वाले लिए, इससे पहले आप कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? इससे पहले मेरे पास टोयोटा प्राडो थी. अच्छा, और वो भी फेस लिफ्टेड थी या क्या थी? वो बेसिकली जी 2015 मॉडल थी, वो रिलेटिवली से नई थी. अच्छा, तो बस वो भी, लेकिन उसका वैसे उसके बाद भी 2018 में उसका भी फेस लिफ्ट अपलिफ्ट आ गया हुआ था, तो मेरे पास उससे पिछला वर्जन था. ठीक है. तो वैसे अगर आपने जैसे प्राडो से आप इसमें शिफ्ट हुए तो आपको ऐसा कितना चेंज है? इसे डिफरेंट लीग. प्राडो बेसिकली एक 2.7 लीटर गाड़ी है. अच्छा, और टेक्निकली देखने में उसके अंदर जो मेजर इश्यूज हैं वो अंडर पावर गाड़ी है. अच्छा, जो मुझे लगता है. हाँ हाँ. ये डेफिनेटली 4.7 लीटर इंजन है. पावर प्राडो का एक और इश्यू है, प्राडो 4 गियर्स में आती है ऑटो ट्रांसमिशन में. अच्छा, इस विद 8 गियर्स 7 गियर्स बेसिकली. ठीक है. तो वो एक बड़ा आपको उसका फील डिफरेंट है प्राडो की. अंडर पावर गाड़ी लगती है, स्पेशली जब आपने अपहिल जाना हो या डाउनहिल तो फिर भी सही है, अपहिल में तंग करती है. ठीक है. तो आपने वो प्राडो कितने की ली थी? प्राडो जी मैंने ली थी 86 लाख की. अच्छा, और मैंने कुछ 2 साल रखी है अपने पास. हाँ. और थैंक्स टू डॉलर और ऑल ये जो हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं. हाँ हाँ. तो जब मैंने सेल की वो 25 में बिकी. मतलब आपको 2 साल के अंदर उस पर कितना प्रॉफिट हुआ? 25 और तकरीबन 39 लाख रुपए. बेहतरीन है. मतलब एक आप प्लॉट ले लें तो वो नहीं होता, खरीद लें कितने पैसों में. ठीक है. ठीक है. उसके अलावा बाकी आप इस गाड़ी के जैसे आपने बताया कि फीचर्स आपने सारे बताए, कोई चीज़ मिस करते हो आप इस गाड़ी में? सनरूफ जी एक एक्स्ट्रा है. मुझे लगता है जब इतने पैसे लगाए हैं तो सनरूफ होनी चाहिए थी. अच्छा, बट टेक्निकली जिस रेंज में ये गाड़ी मैंने खरीदी है. हाँ. आजकल तो आउट ऑफ रेंज हो चुकी है. हाँ हाँ. तो उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था 2009 तक. ठीक है. तो जो मॉडल्स मैंने बेसिकली नीश करके प्रिसाइज करके सर्च किए. हाँ. तो उसमें अनलकीली यही अवेलेबल था, सनरूफ होती नहीं थी. ठीक है. अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर के अंदर कोई चेंजेस हैं जो नया वाला बेसिकली LC 200 का जो लास्ट वेरिएंट आया 202 आई थिंक सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके अंदर जो बेसिकली था ना डैशबोर्ड डिफरेंट हो गया था. ठीक है. तो उसमें डैशबोर्ड आपको देखा होगा तो वो सिल्वर से कलर का है, दैट्स बिट मॉडर्न. लेकिन 2014 एंड तक ये स्टैंडर्ड डैशबोर्ड है. आप कोई भी गाड़ी 8 की उठा ले, 9 की लगा ले, सिर्फ कहीं में टीवी नहीं होगा वो एक्स के अंदर, बाकी के अंदर आपको आइडेंटिकली मिलेगा. ये कलर्स बस डिफरेंट होते हैं वुडन ट्रिम के. गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या? ये जो गैस गजलर है. अच्छा. ये लाहौर के अंदर तकरीबन 4 किलोमीटर. अच्छा. 4-4.5. अच्छा, मैक्स. और लाहौर से बाहर मैंने ड्राइव की है, बेसिकली आई बिलोंग टू उकाड़ा. तो वहाँ मैंने चलाया इसको. वो भी टेक्निकली हाईवे टाइप सड़क तो नहीं है मोटरवे की तरह, बट एटलीस्ट यू कैन क्रॉस 100-120 या रिंग रोड पे. तो वहाँ पे ये रिलेटिवली एकदम से बड़ा अच्छा बूस्ट देती है. अगर आप इसको 120 पे चलाएं और रेव इसके कम रखें तो उस पर ये काफी बेहतर आपको 6 तक ले जाती है. अच्छा, बाकी अब आपने जैसे गाड़ी ली है तो ये वैसे तो मतलब अगर आप इंजन वाइज देखें तो 10 से तकरीबन 11 साल पुरानी गाड़ी है. तो जैसे अब आपने गाड़ी ली है तो इसको मेंटेन करने के अंदर इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और इन चीजों वगैरह के अंदर कोई इश्यूज वगैरह होते हैं? नहीं जी, टोयोटा का सबसे बड़ी जो क्वालिटी यही है पाकिस्तान में, बेसिकली टोयोटा इज अ ब्रांड आप जिस पे रिलाय कर सकते हो. दूसरा, मैकेनिक समझते हैं जो बेसिकली दो मैंने तो जब से लिया 2 इसकी मेंटेनेंसेस आई हैं, दोनों टोयोटा से ही करवाई हैं. तो बट मेजर वो भी ऑयल चेंज से. लेकिन इशू नहीं होता इसकी, हर स्पेयर्स अवेलेबल है. आप इसकी एग्जांपल ले लें, मैंने इसको एक 2022 के अंदर मतलब 20 ये जो लेटेस्ट मॉडल है 2020 के अंदर कन्वर्ट किया हुआ. हाँ. तमाम पार्ट्स 3-4 ग्रेड्स में अवेलेबल है. अच्छा. 3-4 में आप एंड वाला लेना है जैपनीज मॉडल इस्टा का मिल जाएगा आपको, थाई का मिल जाएगा. ठीक है. और अगर कोई मेजर पार्ट्स में अगर खराब हो जाए और आपको लगता है आप एक्सपेंसिव हैं तो आप काबली हो, 3-4 हर रेंज अवेलेबल है. ठीक है. बट डेफिनेटली आपने इतने पैसे लगाए होते हैं तो यू वांट टू अवॉइड, एटलीस्ट मेरी पीस ऑफ माइंड ये होता है कि आप डीलरशिप पे चले जाएं. और वैसे भी अगर फॉर एग्जांपल बंदा ने 1 करोड़ से ऊपर तक की गाड़ी ले रहा है तो उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत चीज़ों के अंदर इश्यूज हैं तो मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज. हाँ नहीं, लेकिन लकीली ये इसके अंदर मुझे मतलब लैंड क्रूजर इज अ ब्रांड आप रिलाय कर सकते हो. पाकिस्तान में रहते हुए आप जर्मन गाड़ियों पे मैं हमेशा से होता हूँ. हाँ. हालांकि मैंने जर्मनी में भी टाइम गुजारा है और जर्मनाइज किस्म की कंपनियों में काम किया हुआ हमेशा जिंदगी में बीइंग एन इंजीनियर. तो दोज कार्स आर वेरी गुड बट नॉट फॉर द पाकिस्तानी मार्केट. पाकिस्तानी मार्केट में मैंने प्राडो और इन दोनों के साथ रह के देखा. तो दीज आर द कार्स ऑन विच यू कैन रिलाय स्पेशली रादर देन ऑडी ई-ट्रॉन. आपके फ्यूल के इश्यूज फिर जो और इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपने हाइब्रिड गाड़ी ले ली तो मैं अभी थोड़ा सा कन्वेंशनल. मैंने जी जिंदगी में मेरी पहली गाड़ी छोटी गाड़ी थी, ऑफकोर्स आई वाज स्टूडेंट तो मेरे पास ऑल्टो हुआ करती थी, दैट वाज माय फर्स्ट बेबी. ठीक है. 1000 सीसी पाकिस्तानी ऑल्टो.
इंजीनियरिंग जब मैंने कर रहा था उस जमाने में बस वो गाड़ी। अच्छा, इस गाड़ी में एयरबैग्स वगैरह कितने हैं इसमें? यार 8 एयरबैग्स आते हैं। ठीक है, आप इसका मुझे बता रहे थे कि ये कन्वर्ट का इशू होता है, क्या बता रहे थे? हाँ, ये बेसिकली है जो इसके अंदर जो जेन्युइन टीवी वाली गाड़ियाँ आई हुई हैं पाकिस्तान में, लैंड क्रूजर 2008 से ऑनवर्ड, बट बेसिकली 7 एंड में लॉन्च हुई थी 12 तक, तो लैंग्वेज कन्वर्जन का इशू है। अच्छा, बेसिकली दिस इज द JDM, आपको अंदाजा पाकिस्तान में JDM मॉडल आते हैं। हाँ, हाँ. तो इसके अंदर लैंग्वेज कन्वर्जन इज अ प्रॉब्लम, ये होता नहीं है, तो इसे जापानीज और बस आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बटन याद रखने पड़ते हैं। लेकिन अब मैंने चेक कर रहा था, मैं पार्क व्हील स्टोर ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब टेस्ला डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं। सही है, तो बड़ा आपकी शेप बदल जाती है। सही है, वैसे ऑटो स्टोर के ऊपर वैसे अभी मैं देख रहा था कि इसकी सारी एक्सेसरीज इस तरह की चीजें, और उसके अलावा भी अगर कोई फेस शिफ्ट है जैसे रेवो का, फॉर्चूनर का, तो वो भी आपको पार्क व्हील ऑटो स्टोर पर सारा अवेलेबल होता है, इसकी सारी एक्सेसरीज वगैरह भी होती है। बिल्कुल, मैं तो जी पार्क व्हील स्टोर का बड़ा रिलीजियस यूजर भी हूँ, मैंने मल्टीपल टाइम आई ऑर्डर योर प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो आपकी ग्रीसेस, ये जो शाइनर्स वाइनर्स जो पॉलिशेस, ठीक है, और इकोनॉमिकल भी है। अच्छा, वैसे जब आप इतनी अब महंगी ये गाड़ी खरीद रहे थे, तो जी आपने खरीदने से पहले मतलब आपका कोई हुआ कि मैं एक दफा चेक करवा के देखूं, जैसे अब ये गाड़ी तो चेंज हुई हुई है ना, बिल्कुल, तो इसमें ये कि आपको फॉर एग्जांपल ऐसा हो सके कोई एक्सीडेंटेड गाड़ी हो ये वो, तो उसके लिए आपने कभी यूज किया पार्क व्हील? मैंने जी पार्क व्हील स्टोर मल्टीपल टाइम यूज किया, जो आपका वो पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस है, स्पेशली जब मैंने अपनी लास्ट प्राडो ली थी और मैं सर्च कर रहा था, तो आई शॉर्टलिस्टेड 3 कार्स, वो तीनों प्राडो थी, और तीनों बल्कि इनफैक्ट पार्क व्हील ने इंस्पेक्ट की थी और इंस्पेक्शन रिपोर्ट और उसकी बेस पे ही मैंने सिलेक्ट की थी प्रोडक्ट जब लास्ट टाइम ली थी। ठीक है, तो आपको इजी टू यूज लगता है कि मतलब बड़ा इजी है, आप बंदा उसे पढ़ के देख ले और वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट जी, फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, मेरे ख्याल में एक लेमैन भी पढ़ सकता है, और एक जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही टेक्निकल से बंदे हो, तो पिक्चोरियल व्यूज और डिटेल इंस्पेक्शन, आई वाज मच, इट वाज कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। ठीक है, और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गाड़ी के लिए तो मेरे ख्याल से अगर आपने इतने पैसे खर्च करने हैं तो यार उससे पहले तो आई विल हाईली रिकमेंड जी, मैं तो स्पेशली होता है स्पेशली मेरे ख्याल में आपकी एक एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं वो जो आप ऑक्शन शीट वगैरह भी निकाल देते हैं, तो आई वाज क्वाइट सैटिस्फाइड विद दैट एज वेल। ठीक है, वो एक माइनर चार्जेस हैं मेरे ख्याल। तो ठीक है पार्क व्हीलर्स, अगर आप लोग भी ये यूज़ करना चाहें इंस्पेक्शन सर्विस या ऑप्शन शीट, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप जब भी कोई गाड़ी वगैरह लें यूज़, तो उसे लाजमी एक दफ़ा इंस्पेक्ट करवाएं, और इतनी बड़ी गाड़ी लेने से पहले तो यार लाजमी करवाएं, क्योंकि आपको ट्रस्ट के ऊपर आपको नहीं करना चाहिए कि इतनी गाड़ी है इतनी महंगी हो सकती है, उसके अंदर कोई भी चीज़ ख़राब हो तो आपको बहुत ज़्यादा मसला कर सकती है बाद में। तो पार्क व्हीलर्स, अगर आप भी कोई इस तरह की कोई लैंड क्रूजर वगैरह लेने का सोच रहे हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि यार कोई 4-3 करोड़ की गाड़ी आपको थोड़े सस्ते के अंदर मिल जाए और उसको आपको अपग्रेड कर लें, या फिर आपको अपग्रेड हुई भी गाड़ी मिल जाए, तो आप पार्क व्हीलर्स के ऊपर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे तादाद के अंदर आपको लैंड क्रूजर्स मिल जाएंगे, तो उसे जाके लाजमी विजिट करें, अपनी मर्ज़ी का देखें कि आपको किस प्राइस में गाड़ी चाहिए, आपको हर प्राइस रेंज के अंदर आपको एक लैंड क्रूजर जो भी आप चाह रहे होंगे वो मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक कमेंट शेयर करने की तो यार आदत डाल चुके हैं आप, और एक वो नीचे साइड पे छोटा सा बटन आ रहा होता है सब्सक्राइब का, वो भी कर दें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।